जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। ओम प्रकाश रावत भारत के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। पावरकॉम ने देश की बिजली वितरण संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। CCEA ने कमजोर मॉनसून में खरीफ की खड़ी फसल को बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने UEFA फुटबॉल सुपर कप जीता। लीबिया के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफे की घोषणा। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। सुधाकर शेट्टी जिम्नास्टिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली ने रजत पदक जीता। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की घोषणा की। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा। पंकज आडवाणी ने कराची में स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता। जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल के विपणन का शुभारंभ। सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 15% की कमी। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। ओम प्रकाश रावत भारत के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। रावत का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक समय का होगा और यह दिसंबर 2018 में समाप्त होगा। वह दिसंबर 2014 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। रावत भारत सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान समय में नसीम जैदी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अचल कुमार ज्योति अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पावरकॉम ने देश की बिजली वितरण संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊर्जा मंत्रालय की ओर से देश के 40 राज्यों की बिजली वितरण संस्थाओं में करवाई गई वार्षिक रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस रेटिंग को निकालने के लिए कॉर्पोरेशन के महत्वपूर्ण फैक्टर का आकलन किया जाता है, जिनमें वित्तीय हालत, ऑडिट अकाउंट, क्रॉस सब्सिडी, रेगुलेटरी वातावरण शामिल हैं। पावरकॉम ने यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग बीते 2 साल में हासिल किए गए शुद्ध मुनाफे और बेहतर कार्यप्रणाली के आधार पर हासिल किया। CCEA ने कमजोर मॉनसून में खरीफ की खड़ी फसल को बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। CCEA ने चालू पैरोई सीजन में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। सरकार की इस निर्णय से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी आने की संभावना है। CCEA के निर्णय के अनुसार किसानों को गन्ने का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। साथ ही चीनी मिलों को उन किसानों की सूची बैंकों को उपलब्ध करानी होगी। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने UEFA फुटबॉल सुपर कप जीता। बार्सिलोना ने तबिलिसी जॉर्जिया में सेविला फुटबॉल क्लब को अतिरिक्त समय में 5-4 से हराया। बार्सिलोना की ओर से मेसी ने 2 गोल किए। मेसी को UEFA सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अतिरिक्त समय में बार्सिलोना के लिए प्रेडो रोड्रिग्स ने विजयी गोल किया। लीबिया के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफे की घोषणा। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अल-थानी ने एक निजी टेलीविजन चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम के दौरान इस्तीफे की घोषणा की। प्रधानमंत्री थिनी की ओर से यह बयान जिनेवा में लीबिया के परस्पर विरोधी पक्षों के बीच शांति वार्ता पुनः शुरू होने के कुछ घंटों बाद आया। लीबिया में वर्ष 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है। लीबिया में इस समय थिनी की सरकार टोब्रुक शहर में निर्वासन में है। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने आचार्य देवव्रत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल ने संस्कृत में शपथ ली। आचार्य देवव्रत संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हैं। इससे पहले विष्णुकांत शास्त्री ने संस्कृत भाषा में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। सुधाकर शेट्टी जिम्नास्टिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। उन्होंने चुनाव में जसपाल सिंह कंधारी को हराया। महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव में 18 राज्यों की इकाइयों के 35 सदस्यों ने भाग लिया। इस चुनाव में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके भसीन ने चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाई। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक तथा सरकार के पर्यवेक्षक के रूप में क्रमशः HS भादु एवं RK सक्सेना मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया। महाराष्ट्र सरकार के खेल और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विनोद तावड़े ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। इस उत्सव में मानव पिरामिड का निर्माण किया जाता है। सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दही हांडी उत्सव में भाग लेने को प्रतिबंधित किया है। खेल और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री के अनुसार यह निर्णय भावना, एकता, टीम वर्क और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली ने रजत पदक जीता। शेखर गांगुली ने एशियन कॉन्टिनेंटल शतरंज में सिंगापुर के झांगझोंग के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए रजत पदक जीता। एशियन कॉन्टिनेंटल शतरंज टूर्नामेंट के 6 पदकों में से 3 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते। गांगुली के अलावा ओपन वर्ग में SP सेतुरमन ने और महिला वर्ग में S विजयलक्ष्मी ने कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ गांगुली के भी UAE के ग्रैंड मास्टर AR सालेम सालेह के बराबर 7 अंक हो गए, लेकिन लीग में लगातार जीत हासिल करने के कारण सालेम को स्वर्ण पदक दिया गया। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार के घोषणा के तहत अब 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और महिलाओं एवं दलितों के लिए 8वीं पास निर्धारित की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज चुनाव के लिए तय नए मापदंडों को मंजूरी दी गई। इसके लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया। इसके पहले अभी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं थी। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा। सानिया देश की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी होंगी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड 29 अगस्त 2015 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर दिया जाएगा। वर्ष 2015 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सानिया के अलावा विकास गौड़ा, डिस्कस थ्रो, टिंटू लुका 800 मीटर, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश, देवेंद्र झांझरिया पैरालंपिक जैवलिन थ्रो, अभिषेक वर्मा आर्चरी और सरदार सिंह हॉकी भी दावेदार थे। पंकज आडवाणी ने कराची में स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता। यह उनके करियर का 13वां विश्व खिताब है। मौजूदा चैंपियन आडवाणी ने फाइनल में चीन के यांग बिंगाताओ को 6-2 से हराया। खेल के दौरान उन्होंने 2 फ्रेम में अपने प्रतिद्वंदी को एक भी अंक नहीं बनाने दिया। 7वें फ्रेम में उन्होंने 71 का ब्रेक बनाकर पिछले वर्ष मिस्र में जीते गए अपने खिताब को बरकरार रखा। जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल के विपणन का शुभारंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल के विपणन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई दिल्ली और विशाखापट्टनम HPCL द्वारा, हल्दिया BPCL द्वारा और विजयवाड़ा
IOCL द्वारा में OMC के चुनिंदा खुदरा बिक्री केंद्रों में बायोडीजल मिश्रित हाई स्पीड डीजल के विपणन की घोषणा की। डीजल उपभोक्ताओं के लिए जैव डीजल B5 मिश्रण की शुरुआत के लिए भारत के खुदरा क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण कदम है। बायोडीजल मिश्रित हाई स्पीड डीजल की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई है। सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 15% की कमी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 15% की कमी दर्ज की गई है। DIPP द्वारा इसकी घोषणा अगस्त 2015 के दूसरे सप्ताह में की गई। DIPP के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल मई 2015 में 15% घटकर $48.8 करोड़ रहा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में $57.4 करोड़ का निवेश आया था। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल नियुक्त। पेशे से वकील कोविंद भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कोविंद वर्ष 1994 से वर्ष 2006 तक दो बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी भारत के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें jagranjosh.com।